हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, यूट्यूबर नेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेक्टिकल लेंस के बारे में। जब हम कभी ऑप्टिकल शॉप या किसी आई क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पर लेंसेज के कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे हार्ड कोड, ARC, ब्लू कट, डे नाइट या नाइट विजन। कई सारे लेंसेज के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेंस हमारे लिए बेहतर होगा। तो आज हम बात करेंगे हार्ड कोड लेंस के बारे में, क्योंकि दोस्तों यदि आपको लेंसेज के बारे में जानकारी है कि किस लेंस में क्या फीचर है तो आप अपने लिए सही लेंस का चुनाव कर सकते हैं। तो हार्ड कोड लेंस के बारे में जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हार्ड कोड लेंस को CR39 भी बोलते हैं, या बेसिक प्लास्टिक फाइबर लेंस भी बोलते हैं, या फाइबर लेंस भी कहीं कहीं पर बोला जाता है। तो यह नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह लेंस फाइबर के होते हैं। फाइबर होने की वजह से जाहिर सी बात है या हल्के होते हैं और काफ़ी लाइट वेट होते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हार्ड कोट, तो इसमें एक ऐसी कोटिंग होती है जिसकी वजह से स्क्रैचेज आने की संभावना कम होती है। दोस्तों, बच्चों को हार्ड कोड लेंस ही यूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग खेलते समय चश्मे को हैंडल नहीं कर पाते हैं और लेंस टूटने की संभावना बनी रहती है। तो यह लेंस हल्के भी होते हैं और इसमें टूटने का भी चांस बहुत ही कम होता है। साथ ही बार बार इसमें डस्ट पार्टिकल लगने की वजह से, हाथ लगाने की वजह से भी स्क्रैचेज आने की संभावना रहती है। तो ऐसे में हार्ड कोट लेंस में स्क्रैचेज आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बच्चे लोग चश्मे को काफ़ी रफली यूज करते हैं, जिससे उस पर बार बार फिंगर लगने के निशान भी आने लगते हैं और उसे बार बार साफ भी करना पड़ता है। इस कंडीशन में हार्ड कोट लेंस का यूज़ करना चाहिए, जिससे यह समस्या ना हो। दोस्तों, कुछ लोग फील्ड में वर्क करते हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल बार बार लगता है, उसे साफ करने पड़ते हैं। साफ करने के चक्कर में उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो हार्ड कोट लेंस में यह समस्या नहीं होती है। इसलिए जो लोग फील्ड में वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए हार्ड कोट लेंस काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को हाई पावर लगता है, जैसे प्लस का हो या माइनस का हो, यदि पावर ज़्यादा है तो लेंस काफ़ी वजन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यह फाइबर लेंस हल्के होते हैं तो काफ़ी कम्फर्टेबल महसूस होता है, और पावर अधिक होने के कंडीशन में इसमें हाई इंडेक्स की भी सुविधा होती है। हाई इंडेक्स लेंस काफ़ी पतले होते हैं और लाइट वेट होते हैं, तो आप अपने लुक और पावर के हिसाब से इंडेक्स का चूज कर सकते हैं, क्योंकि चश्मा आपको विजन के साथ साथ लुक में भी स्मार्ट बनाता है। हाई इंडेक्स लेंस काफ़ी पतले होते हैं, जिसकी वजह से यह काफ़ी लाइट वेट होते हैं, क्लियरिटी के साथ साथ कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं। दोस्तों, अब इस लेंस के पहचान के बारे में बताते हैं कि इस लेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपने ऑप्टिकल शॉप में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कई सारे लेंस के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो उसमें आप कैसे हार्ड कोड लेंस को पहचान सकते हैं, उसकी मैं आपको पहचान बता देता हूँ। दो तीन पॉइंट्स हैं उसको पहचानने के। तो सबसे पहले देखिए, ये लेंस है, ये देखिए हार्ड कोड लेंस है। दोस्तों, अब लेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जब इस पर लाइट आप टार्च जलाएंगे तो यह वाइट कलर का रिफ्लेक्शन देगा, यानी कि इस पर टार्च की लाइट यदि पड़ रही है तो इसमें सफ़ेद कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। यह हार्ड कोड लेंस की पहचान है। इसके अलावा यदि आपको ग्रीन या ब्लू या फिर पर्पल रेड कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है या फिर एलविस आ रहा है, तो वह हार्ड कोड लेंस नहीं होते हैं। और दोस्तों, इसे पहचानने के लिए आप इसको किसी मजबूत फर्श पर गिराएंगे तो कुछ इस प्रकार की आवाज़ आती है। इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। देखिए, इतने ऊपर से इसको गिरा रहे हैं तो इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जबकि हम इसमें ग्लास के लेंस को यदि गिराते हैं इस पर किसी ठोस पार्टिकल पर, तो इस पर देखिए कुछ इस प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो ये एक दो पहचान है इसको पहचानने का, कि हार्ड कोड लेंस और ग्लास में आप अंतर निकाल सकते हैं। हालांकि मैं इसमें अंतर नहीं बता रहा हूं, लेकिन पहचानने का तरीका एक यह भी हो सकता है। और दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि हार्ड कोड लेंस काफ़ी हल्के और पतले भी होते हैं, हाई इंडेक्स यदि आप लेंगे तो काफ़ी पतला भी लेंस आपको मिलेगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। तो इस पर यदि आप देख रहे होंगे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो इसमें सफ़ेद कलर का रिफ्लेक्शन आता होगा। तो यह काफ़ी कंफर्टेबल और सहज महसूस होता है पेशेंट इसको यूज़ करके, तो काफ़ी अच्छा लुक भी देता है और विजन भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हार्ड कोड लेंस को कैसे पहचानते हैं और इसमें क्या क्या फीचर होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हार्ड कोड लेंस किसे कहते हैं, इसमें क्या फीचर होते हैं और इसे कैसे पहचान सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला
तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपसे संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।